हर कोई जानता है कि इस वक्त हरियाणा कई परेशानियों से जूझ रहा है। इस पर कई बॉलीवुड स्टार्स अपना पक्ष रख रहे हैं। ऐसे में अब इस मामले में बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा का नाम भी शामिल हो गया है। गोविंदा ने एक समुदाय के दुकान जलाने पर दूसरे समुदाय को लताड़ लगाई है, जिसके कुछ देर बाद ही ट्विटर पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। मिस्टर गोविंदा की जनता ने ऐसी बात लगाई कि देखते देखते बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने इस ट्वीट में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, हम कहां से कहां पहुंच गए, धिक्कार है उन लोगों पर जो खुद को एक समुदाय का कहते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। अमन और शांति बनाए रखें, हम डेमोक्रेसी हैं, ऑटोक्रेसी नहीं। उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ। लोग उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे। लोगों ने गोविंदा को घटिया आदमी तक कहा। इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो बनारसी बाबू गोविंदा की ऐसी तैसी हो गई। इसके बाद जो हुआ वो इससे भी ज्यादा चर्चा में आ गया। दरअसल एक्टर ने तुरंत ही अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदल दिया। जब इस बात से कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया और हैंडल का नाम भी बदल लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद अचानक से उनका ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन उस वक्त तक उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो चुका था। लेकिन जैसे ही गोविंदा को इस बात की खबर मिली ये सब उनके नाम पर हो रहा है तो वो घबरा गए। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले चिची ने एक वीडियो शेयर करके बताया कि उनका अकाउंट हैक हो चुका है। उन्होंने इस वीडियो में कहा, प्लीज हरियाणा वाले ट्वीट को मुझसे मत जोड़िए क्योंकि ये मैंने नहीं किया, किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया है। मैं साइबर क्राइम में इसकी शिकायत कर रहा हूँ। मैं इस मामले की पड़ताल करूंगा। हरियाणा के सभी चाहने वालों, मित्रगण और मेरे फैन, उन सभी से मैं ये कहूंगा कि ये ट्विटर किसी ने हैक कर दिया है, जिसे मैं बरसों से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं कहाँ इस्तेमाल करता हूँ इसे, और जो मेरी टीम भी है वो भी इस बात से इनकार कर रही है। वो लोग ऐसे हैं जो मुझसे बिना पूछे ट्वीट नहीं करेंगे। मैं ये मामला साइबर क्राइम के हवाले कर रहा हूँ, वो इस मामले के आगे जांच करेंगे। आप सबका ढेर सारा प्रेम। हो सकता है अभी इलेक्शन का दौर चलने वाला है, किसी ने ये सोच लिया हो कि मैं किसी पार्टी से आगे ना आ जाऊं, इसलिए उन्होंने किया हो। परंतु ये ट्विटर अकाउंट हैक्ड है, मैं ये सब डिस्कस भी नहीं करता, किसी के लिए नहीं कहता। हाय गाइस, आई एम गोविंदा। प्लीज डू नॉट एट्रिब्यूट दिस हरियाणा'स ट्वीट टू मी, एज आई हैव नॉट डन दिस। समबडी हैज हैक्ड माय अकाउंट। I'm just doing a complaint to the cybercrime now, and I will look into the matter. Kripya, Haryana ke sabhi chahne walon se main kahunga, mere jitne mitragan hain, mere fan hain, un sabhi se main ye kahunga ki ye jo tweet kisi ne hack kar diya hai, jise main varshanuvarsh se istemal hi nahi kar raha, main kahan istemal karta hu ise, aur jo meri team hai wo bhi deny kar rahi hai, to वो लोग ऐसे है भी नहीं कि मुझसे बिना पूछे ट्वीट कर देंगे। तो आई विल गिव दिस मैटर टू साइबर क्राइम कि दे विल लुक इनटू द मैटर। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हो सकता है कि अभी ये इलेक्शन का दौर चलने वाला है, किसी ने ये सोच लिया होगा कि मैं किसी पार्टी से आगे ना आ जाऊं, तो दे हैव डन दिस आई थिंक सो। परंतु ये हैक्ड है, ये ट्विटर अकाउंट जो है, मैं कभी करता नहीं हूँ सब ऐसा, किसी के लिए नहीं कहता। Never discuss all this. देखा जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि गोविंदा ऐसा बोल सकते हैं और हो सकता है कि उन पर दबाव बनाकर ट्वीट हटा दिया गया हो और ट्विटर हैक होने की कहानी बताई जा रही हो। वहीं कुछ नेटिजन्स का मानना है कि गोविंदा सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं रहते और ना ही वो किसी मामले पर अपनी टिप्पणी देना पसंद करते हैं। ऐसे में गोविंदा ने ये ट्वीट नहीं किया होगा। वैसे आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि ये मामला अब साइबर क्राइम के हाथों में जा चुका है। जल्द ही इसे लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये ट्वीट किसने किया था।